नमस्कार दोस्तों, और मैं संजय कुमार। मैं आज आपको बताऊंगा गणित का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और मेरे पास सवाल दिया है 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x माइनस 2y बराबर 4 दिया है। तो x तथा y के मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमारे पास जो 2x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट बना लेंगे। लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर हमारा हो जाएगा ये फर्स्ट। इसी तरीके से 3x माइनस 2y बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। अब क्या करेंगे, हमें इसको हल करना है जिससे हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो मैं आपको विलोपन विधि से इसको सॉल्व करके बताऊंगा। किस विधि से? विलोपन विधि। और विलोपन विधि का मतलब होता है, विलोपन विधि में क्या करना होता है कि समीकरण 1 व 2 में किसी एक चर को विलुप्त कर देना है। समीकरण 1 व 2 में किसी एक चर को, सेम चर को हमें क्या कर देना है? विलुप्त कर दो। चर हमारे समीकरण 1 और 2 दोनों में दो ही चर हैं। एक तो हमारा x होता है चर, दूसरा इसमें हमारा y दिया है। या तो हमें x को विलुप्त करना है या तो y को। विलुप्त का मतलब होता है गायब करना है। हमें x और y में से किसी एक को गायब करना है। गायब कैसे होगा? गायब करने के लिए हमें इसके गुणांक बराबर करने हैं। ठीक है, हमारे पास ये हमारा x था, इसका गुणांक यहाँ कितना? 2 दिया है। और समीकरण 2 में भी देख लीजिए, इसमें x का गुणांक कितना दिया है? 3 दिया। गुणांक का मतलब x के गुणे में कौन सी संख्या दी है। समीकरण 1 में पहले चेक करो, x के गुणे में कितना है? 2। और y के गुणे में कितना है? 1। कुछ नहीं होता है तब 1 होता है। ठीक है, इसी तरीके से समीकरण 2 में तो x का गुणांक कितना है? 3। और y का गुणांक कितना है? 2 दिया है। हमें किसी एक चर का गुणांक बराबर करो, तो हमें हम y के गुणांक बराबर करेंगे। इसके गुणांक बराबर करेंगे y के। तो देखो यहाँ पर y का गुणांक समीकरण 2 में 2 था, तो हमें इसको भी 2 बना लेना है। समीकरण 1 में जो y का गुणांक हमें 2 बना लेना है। तो बनाने के लिए हमें क्या करना है, इससे समीकरण 2 1 को 2 से क्या कर देंगे? गुणा। अब इसमें तो पहले से ही बना था, इसलिए इसको काय से गुणा करेंगे? 1। क्योंकि 1 से गुणा करने पर समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम इसको 1 से गुणा कर देंगे। अब भाई समीकरण 1 को 2 से जब गुणा करके यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दुना 4 हो जाएगा। और 2 से हम y की गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। और 2 पंचे हमारा 10 हो गया। समीकरण 2 को जब 1 से गुणा करेंगे तो समीकरण 2 में कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। क्यों? 1 से गुणा करने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब क्या करते हैं, अब इसको हमने बताया कि इसको जोड़ना लिखा जाएगा या घटाने, इसको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो हम इसको कैसे पता करेंगे भाई हम जोड़ेंगे या घटाएंगे? बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। ठीक है, हमारे पास गुणांक हमने किसके बराबर किए थे? गुणांक हमने अभी बाई के बराबर किए थे। आप जिसको गायब करना है, आप जिस संख्या को विलुप्त करना चाहते हैं उसके गुणांक जो है बराबर कर लीजिए। हमें बाई को गायब करना था, हमने बाई के गुणांक बराबर कर लिए। समीकरण 2 में बाई का गुणांक 2 था, इसलिए समीकरण 1 को हमने 1 में y का गुणांक 2 कर लिया था, 1 लेकिन कर लिया, क्योंकि हमें गुणांक बराबर करेंगे तभी इसका जो है विलुप्त होगा। ठीक, अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई यहाँ पर जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा? तो हमने जिसके गुणांक बराबर किए थे उन गुणांकों के अगर चिन्ह सेम हैं, समीकरण 1 और 2 अगर चिन्ह सेम है तो यहाँ घटाना लिखा जाएगा, अगर चिन्ह डिफरेंस है तो जोड़ना लिखा जाएगा। तो हमने गुणांक बराबर किए थे बाई के, बाई का यहाँ चिन्ह था प्लस, समीकरण 2 में चिन्ह था माइनस, चिन्ह है हमारा डिफरेंस, तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। देखिए जब चिन्ह डिफरेंस है, जिसके हमने गुणांक बराबर किए हैं, अगर उसके चिन्ह डिफरेंस है तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? जोड़ने पर। इसका मतलब 2y हमारा प्लस का है और 2y हमारा क्या का दिया? माइनस का है। प्लस माइनस का मतलब घटा दो, घटाएंगे कितने? 2y में से जब 2y चले जाएंगे तो गायब तो हो जाएगा, 2y में से 2y जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 का मतलब इसे हम काट देते हैं, इसीलिए काटते हैं क्योंकि 2y में से 2y जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, तो उसको हम काट देंगे। इसी तरीके से 4 यहाँ x से a और 3 x से a हमारा कितना हो जाएगा? 4 और 3 कितना होता है?
सात एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से इसको हम जोड़ देंगे, ये हमारा हो जाएगा 14। ठीक है, अब एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा 14/7। सात से जब काट देंगे, सात दोनों 14 हो जाएगा। एक्स का मान हमारा आसानी से 2 निकल के आ गया। हमने देखिए बाई को विलुप्त कर दिया और एक्स का मान हमारा निकल गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स का मान निकाल दिया, अब हम एक्स के साथ बाई का भी मान निकालें। कैसे, हम लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दो। एक्स का मान समीकरण 2 में रखो, एक्स का मान समीकरण 2 में रखो, किसी में रख सकते हो 1, 2, हम 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, भाई समीकरण 2 हमारा था 3x-2y = 4 था। अब भैया एक्स के जगह पर क्या करना है, 2, तीन और 2 के बीच में गुणे का संबंध है, इसलिए गुणा लगा देंगे। एक्स का मान अभी हमने निकाला है 2-2y = हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, 2 × 6 - 2y = 4 हो जाएगा, -2y = 4। जब 6 उधर जाएगा तो हमारा इसका में पहुंच जाएगा माइनस में, क्यों माइनस में पहुंच जाएगा भाई, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से ले जाने पर संख्या का चिन्ह जो है बदल जाता है। अब यहाँ बचा -2, यहाँ भी बचेगा -2, ये माइनस हमारा कट जाएगा तो y = 2/2 आ जाएगा। जैसे जैसे इसको काट देंगे तो हमारा बाई का मान आ गया 1 आ गया, बाई का मान कितना आ गया 1 आ गया। लेकिन हम जो हमने अभी एक्स और बाई के मान निकाले गया है सही हैं या गलत हैं ये कैसे पता करेंगे, तो इसको पता करने के लिए हम उत्तर की जांच करेंगे। ठीक है, अब यहाँ हम लिख देंगे उत्तर की जांच, पेपर में नहीं करना है क्योंकि पेपर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप अगर चेक करना चाहें तो रफ कार में चेक कर सकते हैं। मैं उत्तर की जांच करके बताऊंगा। जैसे मेरे पास समीकरण कितने थे, 2 थे, कितने थे, आप 2 समीकरण में से किसी एक समीकरण को लिख लीजिए, तो लिखेंगे समीकरण हम 2 लिख लीजिए, लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 हमारा क्या था, 3x - 2y = 4 था, यही तो था ना। अब हमें क्या करना है, बराबर से पहले हमारा LHS होता है और बराबर के बाद वाला हमारा RHS होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बराबर से पहले वाले को हम लेफ्ट हैंड साइड और बराबर के बाद वाले को राइट हैंड साइड बोलते हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में x और y के मान रख दें, अगर हमारा 4 आ जाए, राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, इसका मतलब जो हमने मान निकाले थे वो सही हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें मान भर देंगे। देखिए हमारे पास इसमें मान भर देंगे था 3x - 2y है, ये हमारा LHS था, LHS को ले लिए। अब इसमें 3 गुणे, क्योंकि x के बीच 3 के बीच में गुणे का संबंध है, तो x का मान हमने अभी 2 निकाला था, -2 × 2 और y के बीच में गुणे का संबंध होता है। ठीक है, इसका मान हमारा अभी कितना आया 1, 2 × 3 = 6 और 2 × 1 = 2 जब घटा देंगे तो कितना आ गया 4, और हमारे बराबर में कितना आया था 4। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, जो मान हमने अभी निकाले हैं इसका मतलब वो हमारे मान जो हैं बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं, और इससे संबंधित कोई भी सवाल अगर आए तो इसी मेथड से आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ से संबंधित ऐसे ही नए नए वीडियो प्रोवाइड होते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।